अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं कराची से मोहम्मद असलम खान की इस रिपोर्ट से। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख का कोरंगी में जारी तरक्याती कामों का दौरा। कोरंगी टाउन के चेयरमैन मोहम्मद नईम शेख ने कोरंगी टाउन में जारी तरक्याती कामों का दौरा किया। इस मौके पर डायरेक्टर पार्क्स वकास सोमरो, एडिशनल डायरेक्टर पार्क्स मुइन जत, एडिशनल डायरेक्टर इंफॉर्मेशन वकास खान और दीगर बल्दियाती अफसरान भी मौजूद थे। कोरंगी टाउन के चेयरमैन मोहम्मद नईम शेख ने कहा कि हमने कोरंगी की आवाम को हर तरह की सहूलत देने का अहद किया हुआ है, जिसके लिए हम अपनी तमाम तर दस्तियाब सहूलियात को बरोए कार लाते हुए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने कहा कि अवामुन नास ने हम पर एतमाद करके अपना काम किया है, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी एतमाद को ठेस न पहुँचाएँ। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने कोरंगी टाउन में वाक़ UC3 में कासिम नासिर स्पोर्ट्स फुटबॉल स्टेडियम की तज़ीन व आजाइश की इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि कराची में बेहतरी का सफ़र शुरू हो चुका है। स्टेडियम की आरइश का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। एतराफ में ग्रीन बेल्ट पर पौधे भी लगाए जा चुके हैं। जॉगिंग ट्रैक पर रेड मोरम डाली गई है, जिससे स्टेडियम की खूबसूरती में मजीद इजाफा हो गया है। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने UC10 सेक्टर बी रोड पर वाके स्कूल से मुतसल ST पर कोरंगी टाउन की जानिब से तामीर होने वाले इंडोर स्पोर्ट्स कोर्ट का भी दौरा किया। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने मजीद कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो का अजमो मिशन ये है कि कराची के मुजाफाती इलाकों पर खसूसी तवज्जो दी जाए और वहाँ के लोगों के लिए सेहतमंद सहूलतों के साथ साथ खेल व तफरीह की भी बेहतरीन सहूलियत फराहम की जाए। कोरंगी टाउन में खेलों के ताल्लुक रखने वाले नौजवानों को हर तरह की सहूलत फराहम की जाए। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए अर्ज़ पाकिस्तान न्यूज़ कराची।